ऋषभ शेट्टी जी का क्या दिमाग है, मानना पड़ेगा भाई। क्या सिनेमेटोग्राफी है, आखिरी के 22 मिनट ऋषभ शेट्टी जी ने जो अवतार धारण किया ना, वो देखने लायक था। KGF मास के बाद ये कंतारा मूवी बहुत अच्छी लगी, खासकर इसमें जो कल्चर दिखाया गया वहाँ का, कल्चर है, रूट है, ये आदमी से जुड़ा हुआ, आदमी अपने आप को जुड़ा हुआ फील करेगा इस मूवी को देखने के बाद। इतना ही नहीं, आप सभी देखिए एक बार मूवी को जाकर, मूवी बहुत ही अच्छी बनी है, उम्दा बनी है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। आई होप आपको भी ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है। इस मूवी में दिखाया कि देवताओं को ले लिया राजा और ग्रामीणों को दे दिया जंगल। अब उस जंगल के सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीण लोग जो है घर बना के रह रहे हैं, अपना जीविका के उपार्जन कर रहे हैं। था उस जमीन मालिक के पास था, तो वो एक्चुअली मतलब फॉरेस्ट की बात है, तो उसको डिमार्केशन कर दिया, तो जैसे ही पिलर तोड़ा या ट्रेंच मारा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या जेल जाना चाहिए। तो ये सभी जो हैं वन विभाग के ऑफिसर्स हैं। ये मूवी बनाने वाले ने हमारे फॉरेस्ट विभाग का भी और जो हमारा ग्रामीणों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में इसी तरह की मूवी है तो लोग जागरूक होंगे पेड़ पौधों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जिससे हमारा जो जिम्मेवारी है वो कम होगा, हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित।